साथियों ने अपना समर्थन बना लिया, लेकिन साढ़े चार साल तक हम लोगों ने समर्थन किया। पिछले लोकसभा चुनाव में जब हमने बुजुर्गों के रूप में उनको समर्थन किया था तो हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर में तय किया था, जिसमें हमारे मुद्दे थे कि महंगाई में अपरूप करना चाहिए, हमारी विदेश नीति ठीक होनी चाहिए, हिंदू की आर्थिक नीति ठीक होनी चाहिए, हमारे देश की आर्थिक नीति ठीक होनी चाहिए, सभी जरूरी प्रमाणों का नाम ऐसा हो कि हमारे देश की गरीब जनता उसको खरीद सके, दवाओं का नाम ऐसा हो कि हमारी देश की जनता गरीब जनता 70% से ज्यादा जो गरीब जनता है उन दवाइयों को वो खरीद सके। इन्हीं मुद्दों से हमने कांग्रेस का समर्थन किया था एवं सारे काम में जो रोजगार योजना थी वामपंथियों का दबाव था, इसी तरह से आपको रोजगार योजना चालू किया गया, वो भी 4 साल के बाद उन्होंने लागू किया। ऊपर में हम लोगों ने उनका विरोध किया, राजनीति के खिलाफ में हमने उनका विरोध किया, आपने नतीजा देखा। आज पूरे विश्व में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, लिबरलाइजेशन के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो अमेरिका प्रमोट कर रहा था उसका नतीजा आज पूरे विश्व के सामने। आज पूरे अमेरिका में तमाम बैंक बैंकरप्ट हो गए, आज चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, इन सभी देशों की आर्थिक नीति का दिवालियापन निकल गया है, हम लोग इसको बोलते हैं फेरुल कल्चर हो गया है। हमारा संघर्ष और वामपंथी 1991 में सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हम लोगों ने नारा दिया था, आवाज उठाया था एवं भारतीय जनता के बीच में हम इस मुद्दे को लेके गए थे। आज उसका नतीजा देख लीजिए, पूरे विश्व में आर्थिक परेशानियां चल रही है, लोग परेशान है। शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया था आज गुजरात में भी कुछ लोगों ने आत्महत्या किया क्योंकि उनका लाखों लाखों रुपया शेयर मार्केट में डूब गया। हम लोग